हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है 9 क्लास के अंदर नंबर सिस्टम और हमारी एक्सरसाइज है आज 1.4। इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं आज ये डिस्कस करते हैं कि हमें 3.765 ऑन अ नंबर लाइन, इस नंबर को हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप एक नंबर लाइन बनाएंगे जिस तरह से मैंने एक नंबर लाइन बना दी है। अब आप देखेंगे कि आपका जो नंबर है वो क्या है 3.7, तो वो आपको जो नंबर मिलेगा वो यहां का ही होगा इन दोनों के, ये तो हो गया आपका 3, ठीक है ना। अब आपको 3 पॉइंट है तो सेकंड स्टेप आप अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर आप नंबर लाइन एक सीधी अगेन ड्रॉ करेंगे और यहां हो जाएगा आपका पॉइंट 3 और लास्ट में आपका पॉइंट हो जाएगा 4, क्योंकि जो आपका नंबर है 3.765 वो इनके बीच में ही आने वाला है। अब मैं इसमें आपको ही पता है वन से लगाकर सेकंड टू डिजिट पर इसमें छोटी छोटी 10 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5, फिर वापस 1 2 3 4 5, ये हो गया तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है ना। ये पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना, ये क्या जाएगा 3.1, 3.32, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, फिर 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद हो जाता है हमारा 4, 10 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमें पॉइंट मिल जाते हैं इसके अंदर। अब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, 3.7, 3.7 कहाँ है, ये रहा 3.7। तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कहाँ होगा, थर्ड स्टेप पर चलेंगे और वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, 3.7 एंड 3.8 के बीच में होगा। बीच में इसमें कितनी छोटी छोटी लाइन होती है, 10 लाइन होती है बीच में बिल्कुल एक सेकेंड, हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बीच में आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 3.71 हो जाएगा, उसके बाद 3.72 होगा, 3.73, 3.74 इसको बोलेंगे, 3.75, 3.76, 3.77, 3.7 क्या हो जाएगा 8 एंड 3.79 और फिर आ जाएगा 3.8 हो जाएगा। अब आपको जो नंबर है वो 3.76, ये आपको कहां मिलेगा 3.76, यहां मिलेगा। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो फोर्थ स्टेप पर अगेन आएंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां 3.76 और यहां हो जाएगा 3.77, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कितना होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769, इस तरह से ये नंबर होंगे। अब आपको जो नंबर होगा वो कौन सा है, 3.765, तो वो आपको कहां मिलेगा, 3.765 यहां मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने नंबर लाइन को यहां पर शो कर सकते हैं 3.765। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको क्या लगा देंगे हम नंबर लाइन पर, क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट, उसके अंदर भी हमें यही करना है, 2.6 2.6 2.6, इस तरह से बार का मतलब होता है आपको कंटिन्यूअसली ये चलाना है इसके अंदर। तो इसको किस तरह से हम करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6, यहां हो जाएगा -1 -2, आपका जो नंबर है वो कहां आएगा, इसके और इसके बीच में होगा,
ठीक है। तो अब अपना सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी कि जो आपको नंबर मिलेगा वो 4 और 5 के बिटवीन है। इसमें 10 लाइन होगी, मिडिल बिल्कुल बीच में एक हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कर, इस लाइन के बाद भी 1 2 3 4 5, ये टोटल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम नेक्स्ट आपको जो पॉइंट मिलेगा वो कहां मिल रहा है, 4.2 4.2, यहाँ मतलब 4.26 है, तो आपको इन दोनों के बीच में नंबर मिलेगा। तो आप अपने थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अगेन, और फर्स्ट नंबर होगा आपका 4.2 और लास्ट हो जाएगा 4.3, आपको नंबर इसके बीच में बिल्कुल मिडल में हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, इस तरह से ये आपके नंबर क्लियर हो जाते हैं। अब आपका जो पॉइंट है वो क्या है, 4.26 4.26 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो अब आपको नंबर कहाँ मिलेगा, 4.26 और 4.27 के बीच में मिलेगा। तो आप अपना फोर्थ स्टेप बनाएंगे इसी तरह से, यहाँ आपका हो जाएगा 4.26 और यहाँ हो जाएगा 4.27, बीच में मिडल में एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका पॉइंट, 4.21 4.26 2 4.26 3 4.26 4 4.26 5 4.26 6 4.2 4.26 7 4.26 8 4.26 9, आपका जो नंबर होगा वो क्या है, 4.262, तो 4.262 यहां आपको मिलेगा। अगला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इसी के बीच में होगा। अगेन एक बार और हम लास्ट टाइम कर लेते हैं, ये हमारा है 4.262 और लास्ट में यहाँ नंबर जो है वो क्या है आपका, 4.263, बिल्कुल मिडल में हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 4.262 1 4.262 2 4.262 3 4.262 5 4.262 6 4.262 7 4.262 8 और 4.268 9, इस तरह से आपका नंबर लग जाएगा। अब आपका नंबर क्या, 4.262 6 4.262 4.262, ये रहा आपका नंबर इस तरह से। 4.2 ये नहीं है, ये तो 2 है, आपका क्या है 4.2626 ये आपका। तो इस तरह से आपका नंबर लाइन है 2626, इस तरह से ये आगे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये दो नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी थी, और ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से हमको इसमें करना है। तो आपका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अपनी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 1.4। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होगा। तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगेन आपसे फिर मिलेंगे और इसकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे।